नमस्कार, वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्यपाल कोश्यारी ने गुजराती राजस्थानी टिप्पणी के लिए मांगी माफी, नागरिक माफ कर देंगे, कोश्यारी ने जताई उम्मीद। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने की मोहन भागवत की मुलाकात, राजनीति के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म। और जीवित सांपों की पूजा करता है 32 शिराला गांव, सांप दिखाई दे तो उसे हाथ जोड़ कर जाने दिया जाता है। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने हालिया विवादित बयान को लेकर माफी मांगी है। राजभवन से जारी बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र के लोग उनकी हालिया टिप्पणी के लिए उन्हें माफ कर देंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी उस टिप्पणी के लिए सोमवार को माफी मांग ली, जिसमें उन्होंने कहा था अगर मुंबई से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो शहर के पास ना तो पैसे रहेंगे और ना ही वित्तीय राजधानी का तमगा रहेगा। कोश्यारी ने टिप्पणी शुक्रवार शाम मुंबई के पश्चिमी उपनगर अंधेरी में एक चौक के नामकरण समारोह को संबोधित करते हुए की थी। राजभवन द्वारा सोमवार शाम को जारी एक बयान में कोश्यारी के हवाले से कहा गया है कि उन्हें विश्वास है कि महाराष्ट्र के लोग अपना बड़ा दिल दिखाएंगे और उनकी हालिया टिप्पणी के लिए उन्हें माफ कर देंगे। कोश्यारी ने कहा कि अंधेरी में अपने भाषण के दौरान समाज के कुछ सदस्यों के योगदान के बारे में बोलते हुए हो सकता है कि उन्होंने गलती की हो। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस प्रांत के नागरिक कई संतों की शिक्षाओं का पालन करते हुए इस राज्य के एक विनम्र सेवक को माफ़ कर देंगे। ये मेरी तरफ से एक अनजाने में हुई गलती थी। सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान के रखरखाव का काम मिला। लोगों का कहना है कि महिला बचत गट की महिलाओं को पार्क के रखरखाव का काम न दिया जाए, पार्क का काम ठेकेदारों को ही दिया जाए। सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट द्वारा शारदा जामरे के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। आमच्या मागण्या अशा आहेत की आमचं सावित्रीबाई फुले महिला बचत गट आहे व आम्हाला वर्क ऑर्डर मिळाले पाहिजे, याकरिता आमची मागणी आहे। यासाठी आम्ही 4 महिन्यापासून झिजत आहोत। 4 महिन्यापासून आम्ही निविदा टाकलेल्या होत्या आंबेडकर उद्यानाच्या, त्याचे वर्क ऑर्डर आतापर्यंत शिवण मिळाले नाही आणि शिवसाहेबांनी फक्त साईन होण्याची आहे, ते आम्ही ते साइन करून घेतल्याशिवाय हे आंदोलन तोडणार नाही। मुंबई में कल देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत की भेंट ली। इस मुलाकात के साथ ही राजनीति के गलियारों में कई चर्चाएं गर्म होने लगी है। शिंदे और फडणवीस ने पत्रकारों से बात करते हुए इस विषय पर स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना टाल दिया। तुम्ही आणि डीसी दोघेही एकत्र होतात संयुक्तपणे भेट घेत कार्यक्रमाला होतो बीकेसी मध्ये एमआयडीसीच्या, तिथून एकत्र आलो। जवळपास पाऊण तास चर्चा झाली आहे, त्यामुळे काही एकूण काही विषय नाही। आता हिंदुत्व भागवत आमच्यासाठी एक आदरणीय आहेत आणि त्यांना जेव्हा जेव्हा कधी मी ठाण्यालाही भेटलो होतो कार्यक्रमामध्ये, त्यामुळे तसं काही विषय कारण काहीच नाही। सदिच्छा भेट आहे, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर शुभेच्छा आशीर्वाद। साहेब, हिंदुत्व प्रकार हिंदुत्व अजून प्रकार हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा, तुम्ही जो प्रकर्षाने मांडता की बाळासाहेबांचं हिंदुत्व आणि एकूणच याआधी आपण म्हटलं असेल की संघ आणि बाळासाहेब हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर नेहमी भूमिका बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाचीच आहे। बाळासाहेबांचे विचार आणि त्यांची भूमिका आम्ही घेऊन पुढे जातो, त्यामुळे जाहीरपणे ती भूमिका आम्ही मांडली बाळासाहेबांच्या विचारांची। धन्यवाद। औचित्य खास काय म्हणलं जातं असं की माननीय मुख्यमंत्र्यांना
सरसंघचालकांची भेट घ्यायची होती, तर सर आम्ही वेळ घेतली होती आज माननीय सरसंघचालक जी हे मुंबईमध्ये होते, त्यामुळे त्यांची भेट, त्यांचा आशीर्वाद घेतला, त्यांच्याशी चर्चा देखील केली, जवळपास पाऊण तास चर्चा झाली. आणि सतत जे म्हटलं जातं की शिवसेना भाजप जी युती झालेली, हिंदुत्व हा मुद्दा आहे, सरसंघचालकांची जेव्हा चर्चा होते हिंदुत्व हा विषय असेलच, 100% हिंदुत्व तर हा मुद्दा आहेच. बघा काय आहे की सरसंघचालकांनी एवढंच सांगितलं की चांगलं काम करा, सचोटीने काम करा, एकमेकांना सोबत घेऊन काम करा, आणि हिंदुत्व हा तर आपला अजेंडा आहेच. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. Love you, दीपिका. Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. सबका फिर से स्वागत है. पनवेल नवी मुंबई में एक माँ अपनी ही बेटी की दुर्दशा का कारण बनती दिखी. एक महिला अपनी ही 5 वर्षीय बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शर्मसार घटना सामने आई है. यह घटना सोसाइटी के एक आदमी ने कैमरे में कैद की और सामाजिक कार्यकर्ता चित्रा देशमुख को इसकी खबर दी. उन्होंने तुरंत पुलिस की मदद ली और बेटी को उसकी माँ के चंगुल से छुड़ाया. पनवेल में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. नवीन पनवेल स्थित चैतन्य सोसाइटी में 5 साल की बच्ची को उसी की सगी मां के द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. पता चला है कि इस नन्ही सी बच्ची को बांध कर रखने, भूखा रखने, लगातार पीटने जैसे अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से ये अमानवीय व्यवहार सोसाइटी में चल रहा था. ये वाक्या एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद करके वही के एक सामाजिक कार्यकर्ता चित्रा देशमुख के संज्ञान में लाया. उसके बाद चित्रा देशमुख ने जाकर खंडेश्वर पुलिस अपराध जांच विभाग के निरीक्षक वैशाली गलांडे को सूचना दी. उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया. लड़की की मां को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है. तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है और लड़की को इस अमानवीय माँ से बचाया गया है. पुलिस फोन करून बोलवलं, चैतन्य सोसायटी खूप आभार. त्या तुम्हाला की आपल्या खांदेश्वर पोलिसच्या क्राइम PI सन्माननीय वैशाली गलांडे मॅडमना जसं मुलांकडून व्हिडिओ गेले की अशी आई कुठेतरी मारते, वैशाली मॅडमनी 3 दिवसांना आणि पोलीस गाडी पाठवली आणि त्या मुलीला आपण रेस्क्यू करता आलं, त्या मुलीला सोडवता आलं. त्या मुलीच्या कपाळाला भरपूर सूज होती, उचलून फेकलं होतं तिला. म्हणून मी चैतन्य सोसायटीचे आणि क्राईम PI वैशाली गलांडे यांचे खूप खूप अभिनंदन करते. धन्यवाद.
श्रावण में सभी त्योहार नागपंचमी से शुरू होते हैं। सांगली महाराष्ट्र में शिराला गांव में हमेशा जीवित सांपों की पूजा के लिए जाना जाता है। अदालत के प्रतिबंध के बाद स्थान पर जीवित सांपों के बजाय प्रतीकात्मक सांपों की पूजा की जाती है। हालांकि अगर गांव में सांप दिखाई दे तो उसे बिना मारे ही हाथ जोड़कर जाने दिया जाता है। इस गाँव में सैकड़ों साल पहले जीवित सांपों की पूजा शुरू हुई थी। इस बारे में एक किंवदंती भी है, लेकिन जैसा कि अदालत के फैसले के अनुसार आज नागपंचमी मनाई जानी है, हर शिरालकर पारंपरिक तरीके से नागपंचमी मनाने की अनुमति मांगता है। महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश में सांगली के शिराला की एक अलग पहचान है। शिराला दुनिया भर में सांपों के गांव के रूप में मशहूर है। शिराला गांव में हमेशा नागों की पूजा की जाती है। नागपंचमी के दिन गाँव के हर घर में नाग की पूजा की जाती है। अब यह प्रतीकात्मक है। हालांकि इस गांव में जीवित सांपों की पूजा करने की प्रथा थी। नागपंचमी के दिन हर घर में एक जीवित सर्प की पूजा की जाती थी, इसलिए शिराला नगरी में नागपंचमी के दिन हर घर में नागराज निवास करते थे। हर महिला नागराज को अपना भाई मानती है, उनके लिए व्रत रखती है और नाग पूजा के बाद व्रत तोड़ती है। नमस्कार, मी सौ अर्चना बसवेश्वर शेटे, माजी नगराध्यक्ष शिराळा, नगर पंचायत शिराळा। या वर्षी अगदी अतिशय उत्साहाने शिराळ्यामध्ये नागपंचमी साजरी केली जात आहे। नागरिक उत्साहाने या कोरोनाच्या कालावधीनंतर जवळजवळ 2 ते 3 वर्षांनी नागपंचमी साजरी करत आहेत। निर्बंध हटलेले आहेत, कोरोनाच्या निर्बंधांमधून थोडीशी उसंत मिळून ही नागपंचमी साजरी केली जात आहे। या महालक्ष्मीच्या पावन भूमीमध्ये गुरु गोरक्षनाथांनी आशीर्वाद दिल्याप्रमाणे सर्व शिराळकरांना जिवंत नागाची पूजा करण्याचा एक आशीर्वाद मिळालेला होता आणि त्याप्रमाणे 1200 वर्षांपासून शिराळ्यामध्ये जिवंत नागांची पूजा केली जात होती। परंतु कुठेतरी त्याला एक दृष्ट लागली म्हणा आणि जिवंत नागाची पूजा करण्यामध्ये थोडंसं आम्हाला न्यायालयाचा मान सन्मान राखून पूजा करणं थांबवावं लागलं। पण ही परंपरा म्हणजे कुठेतरी शिराळकरांचं अस्तित्व आहे, शिराळकरांचा अभिमान आहे। जरी परंपराच नसेल तर शिराळ नगरीचं देशामध्ये अस्तित्वच राहत नाही। माझी न्यायालयाला खरोखर विनंती राहील की ही जी आमची परंपरा आहे त्याचा आदराने विचार करून पुन्हा शिराळ नगरीला जिवंत नागाची पूजा करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे। आणि हा अधिकार आणि हा सन्मान शिराळ नगरीला मिळाला तरच शिराळ नगरीचं अस्तित्व हे पूर्वीप्रमाणे जगाच्या नकाशामध्ये उठून दिसणार आहे। कोरोनाच्या निर्बंधानंतर अतिशय उत्साहाने ही नागपंचमी यावर्षी आम्ही साजरी करत आहोत। सगळीकडेच आनंदाचं वातावरण आहे, पण याच्याहीपेक्षा आनंद तेव्हा द्विगुणित होईल जेव्हा संपूर्ण शिराळ नगरीमध्ये येणारे पर्यटक असतील किंवा पत्रकार मंडळी असतील किंवा राजकीय मंडळी असतील, या सगळ्यांचे कुठेतरी शुभेच्छा आणि आशीर्वाद शिराळ नगरीला मिळतील आणि पुन्हा जिवंत नागाची पूजा करण्याची परंपरा आमची चालू होईल। मी इथं सर्व लोकांना धन्यवाद आणि शुभेच्छा देते आणि तुमचा विराम घेते। नमस्कार, माझे नाव अक्काताई रामचंद्र कोतवाल। या शिराळा तालुक्यात श्रावण महिन्यात नागपंचमीचा सण मोठा होत आहे, तरी आम्ही यापूर्वी जिवंत नागाची पूजा करत होतो। न्यायालयाच्या बंदीमुळे आम्ही ती पूजा बंद करून मातीच्या नागाची पूजा करत आहे। त्या पूजेसाठी आमच्या घरी 21 भाजीचा नैवेद्य आम्हाला करावा लागतो। या भाजीमध्ये सगळ्या भाज्या आम्ही गोळा करून दही भात कानवले वडी ही सगळे गोळा करून हे आम्ही नैवेद्य पाठे ते आम्ही नैवेद्य त्या नागाच्या मूर्तीला चिखलाच्या मूर्तीला श आमचा मान आहे ह्या घराण्याचा, कोतवाल घराण्याचा, ही आम्ही परंपरा चालवत निघालेलो आहे। नागपूर जिले के कामठी तहसील के अंतर्गत खैरी गांव में मातंग समाज द्वारा अन्ना भाऊ साठे की जयंती मनाई गई। 1 अगस्त को खैरी गांव में अन्ना भाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खैरी ग्राम पंचायत के सरपंच बंडू कापसे और सदस्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज 1 अगस्त 2022 अन्ना भाऊ साठे यांची खैरी गावामध्ये मोठ्या उत्साहाने आम्ही साजरी करत असतो आणि अण्णाभाऊ साठे हे लोकशाहीरच नाही, साहित्यिक, कवी,
आणि अनेक समाजासाठी, एकाच समाजासाठी नाही त्यांनी कार्य केलं आहे, तर संपूर्ण भारतामध्ये या व्यक्तीने जे कार्य केलेले आहेत कलावंतातून लोकशाहीर आणि साहित्यिक कवी, आणि आज त्यांचीच जयंती नसून लोकमान्य टिळक यांची सुद्धा पुण्यतिथी आहे, आणि स्वतंत्र काळामध्ये त्यांनी या सर्व जे काही हुतात्मे झाले त्यांच्यासोबत मोठं कार्य केलेलं आहे। त्या कार्याच्या निमित्तानं आम्ही पुढील येणाऱ्या पिढीपर्यंत, त्याच्या पिढीपर्यंत प्रत्येकानं जे काही आपल्या भारतामध्ये स्वातंत्र्य मिळवून दिलेले आहे त्यांनी प्रत्येकाने या हुतात्म्याची जयंती असो, जन्मदिवस असो, ही साजरं करत राहावं याकरता आम्ही ही जयंती आम्ही साजरी करत आहोत। जयंती साजरी करण्यात आली आहे 1 ऑगस्ट 2023। ते साहित्य रत्न होते, भारतातच नव्हे तर रशियामध्ये सुद्धा त्यांचा पुतळा बनलेला आहे, स्टॅच्यू बनलेला आहे, आणि त्यांनी आपली कलाकृतीमधून खूप काही लोकांना दाखवून दिलं आहे। 1.5 दिवस ते शाळेमध्ये शाळा शिकले, ते शाळेमध्ये जात होते पण त्यांना उचित वाटत नव्हतं की आपल्याला अस्पृश्यता मानतात, लोक आपला हे कर विचार करते हे करते ते करते, त्यामुळे ते शाळेत गेले नाही। ते 1.5 दिवस शाळा शिकले आणि 1.5 दिवसामध्ये त्यांना जगामध्ये आपलं नाव उज्ज्वल केलं। त्या पद्धतीनं आपल्या समाजवाद्यांनी त्यांच्या सारखे नाव उज्ज्वल करावे। बंडूभाऊ कापसे हे आपल्या गावचे सरपंच आहेत, हे जिथे जिथे कार्यक्रम होतात तिथे उपस्थित राहतात व कार्यक्रमाची शोभा वाढवतात व मार्गदर्शन करतात, सहकार्य करतात। सिंगत के पास एक पुल के नीचे एक अज्ञात 30 से 35 वर्षीय युवक का शव मिला था। इसे 1 अगस्त 2022 को शाम 6:30 बजे एक्सपोज किया गया था। घटना की सूचना जैसे ही सहायक पुलिस निरीक्षक विजय रत्न पारखी को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस घटना की जांच कर रही है, हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है। न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।